अर्चना जी आप बड़ी प्यारी लग रही हो. थैंक यू. वाह. डोंट बी सो सरप्राइज. अर्चना जी आपका सालों का एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री में. एक बात बताइए, जब फिल्म बनानी हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है? इजी, प्रोड्यूसर. भैया फैंस होते हैं ना, हाँ. वो पागल होते हैं कि किसी तरह से स्टार की ऑटोग्राफ मिल जाए, हाँ. और स्टार्स पागल होते हैं कि किसी तरह से प्रोड्यूसर की ऑटोग्राफ मिल जाए. कहाँ पर? उनके चेक पर. बस उसके बाद बल्ले बल्ले. तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर. मेरे को पता था यही जवाब आएगा. सारा ध्यान पैसों पे आपका. लेकिन बात भी बिल्कुल सही बोली अर्चना जी ने. क्योंकि अगर प्रोड्यूसर सही ना हो तो अच्छी फिल्म बनने का सपना जो होता है वो सपना ही रह जाता है. True. पर अगर प्रोड्यूसर जानदार हो तो ऑब्वियसली जो भी आप चाहते हो, जैसी भी फिल्म चाहते हो, वो बनती है. सो आज का एपिसोड जो है एक ऐसे प्रोड्यूसर के नाम है जिनकी 3 पीढ़ियां करीब 7 दशकों से पूरी दुनिया को एंटरटेन करती आ रही है. मैं बात कर रहा हूँ नाडियाड वाला फैमिली की. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा नेशनल अवार्ड विनर, बॉलीवुड के दिलेर प्रोड्यूसर मिस्टर साजिद नाडियाडवाला. एक बार जोरदार तालियां साजिद भाई के लिए. आप जो कमाल की मजेदार फिल्में देखते हो उनके पीछे चेहरा है. ये बहुत शाही है, वैसे ज्यादा टीवी शो में आते नहीं. और हमारा सौभाग्य है कि हमने रिक्वेस्ट किया और साजिद भाई आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. आज हम नाडियाड वाला स्पेशल कर रहे हैं जी. बहुत कैसा लग रहा है हमारे स्पेशल शो में आपका अपना स्पेशल एपिसोड हो रहा है? ये शो मेरा ही है. आई हैव गिवन हर अ ब्रेक इन द फर्स्ट फिल्म. अच्छा, फर्स्ट फिल्म. साजिद यार, आई गेव यू अ ब्रेक. तुम्हारी पहली फिल्म में मैंने काम किया था. फिर सिद्धू जी उनको भी पहला ब्रेक मैंने ही दिया. वाओ, मुझसे शादी करोगे? मैं वो कमेंटेटर थे. फिर उसके बाद सिमोना थी. अच्छा, अभी कृष्णा है, लहरी है. और सबसे बड़ी बात है कि जो आप इस शो का प्रोड्यूसर है जी, उसका प्रोड्यूसर मैं हूँ, सलमान खान. अभी कपिल जी के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. किसकी बारी? मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को न्यूज मिलेगी 2 महीने में. वाओ, आई एम वर्किंग फॉर. क्या बात कर रहे हैं साजिद भाई. वाह कपिल, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं. मैं पूछने वाला था साजिद भाई, मेरे शो में सबको आपने मौका दिया, मेरी क्या वैक्सीनेशन रुकी हुई? मैंने सबसे पहले लगवा ली थी. अच्छा, आपको भी साजिद भाई ने ब्रेक दिया, तो इसका मतलब आप जब 23-24 साल के होंगे शायद. जी बिल्कुल. अर्चना जी अच्छा लगता है क्या एक 23-24 साल के लड़के को डरा धमका के लॉन्च करवा लिया आपने? अच्छा, साजिद भाई के प्रोडक्शन हाउस का नाम है नाडियाड वाला ग्रैंडसन. जी, मतलब आपके दादाजी भी फिल्में बनाते थे, आपके पिताजी भी, आप भी बना रहे हैं, 3 पीढ़ियों से ये फिल्म प्रोड्यूस करते आ रहे हैं. क्या आपको फर्क क्या नजर आता है इंडस्ट्री में? क्या आपको लगता है चेंज हुआ है? माय ग्रैंडफादर केम इन 1955 और 52 में उन्होंने अपना करियर, ये 70th ईयर है हमारे बैनर का. वाओ. और उन्होंने भी सक्सेसफुल फिल्म बनाई जैसे कि ताजमहल. वाओ. मैं छिछोरे बना रहा हूँ. इतना सारा नया टैलेंट जो है लॉन्च किया, इतने सारे स्टार्स बनाए, आप खुद इतने माशाल्लाह हैंडसम गुड लुकिंग आदमी हो, अपने ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया आपने? आप अपने आप को लॉन्च क्यों नहीं किया? आपने किया ना अपने ऊपर खर्चा. क्या हुआ? वो थोड़ा बहकावे में आ जाता है आदमी कभी कभी आसपास के लोगों के. पर कभी ख्याल नहीं आया साजिद भाई आपको जब आप सुबह उठ के मिरर देखते हो कि यार इतना हैंडसम तो मैं भी हूं? आता था बिल्कुल, लेकिन जब मिरर देखता था तो ख्याल रुक जाता था. नहीं, पर आप सच्ची में बड़े हैंडसम हो. नहीं, गुड, बट आई हैव सम ग्रेट टैलेंट वर्किंग फॉर मी. और मैं अपने आप से इतना अच्छा काम नहीं ले सकता था जितना मैं बाकी लोगों से ले सकता हूं. हां, ये है बिल्कुल प्रोड्यूसर वाली सोच. साजिद भाई ने हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी अपनी फिल्म में साइन किया था. भाई उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट बोल के साइन करवाया था कि ये बोला था कि ये 10 पेज की ऑटोग्राफ बुक है, मेरी फैमिली को दे दो. कैसे मिले थे आप उनसे? और व्हेन वी ग्रो अप, हर एक बच्चे का एक अरमान होता है, एक ख्वाहिश होती है. सो वी ग्रो अप ऑन सिल्वेस्टर स्टैलोन. तो मेरे अरमान थे कि स्टैलोन के साथ काम करे. अच्छा जी. तो व्हेन आई वेंट टू लॉस एंजलिस, आई रिमेंबर इन 97 वी वेंट विद आवर फ्रेंड्स टू मीट स्टैलोन. हम लोगों ने एक महीना कोशिश की, हमको चांस नहीं मिला. अच्छा, फिर उसके बाद हम
उस जमाने में $500 मिलते थे सिर्फ FTS में. तो $500 ही मिलता था गवर्नमेंट से, उससे ज्यादा मिलता नहीं. आई रिमेम्बर ऑस्कर का अवार्ड हो रहा था, हमको ऑस्कर के अवार्ड में जाना था. वहाँ टिकट ही कुछ $2,000-$10,000 की थी. अच्छा. तो वहाँ भी जाने नहीं मिला. तो चुपके से हम यूनिवर्सल स्टूडियो चले गए. फास्ट ट्रैक के पैसे नहीं थे, लाइन में खड़े रहते थे. तो चार चार घंटा एक राइड जो 2 मिनट लगाती है जी. तो उस दिन मैंने एक कसम खाई कि मैं यूनिवर्सल स्टूडियो बंद कराऊंगा. बंद कराऊंगा मैं, ऑस्कर में जाके फ्रंट रो में बैठूंगा. अच्छा. और मैं स्टेलॉन से काम करूंगा. तो मैंने स्टेलॉन से काम कराया. कोडैक्स थिएटर जहाँ ऑस्कर होता है वहाँ फ्रंट रो में जाके हम लोगों ने पूरी बुकिंग की, जहाँ स्टेलॉन के साथ शूटिंग की. और एक दिन मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो बंद कराया उस फिल्म की शूटिंग के लिए. तो ऑल द यूथ, जितने भी लोग बैठे हैं मैं और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा 35 years का एक्सपीरियंस है. मैं एक ही चीज़ सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों पे कभी रोक मत लगाना, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता और GST नहीं लगती है. तो दबा के खूब सोचो, इंतहा सोचो, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हो वो कोई और ही चीज़ है. हज़ार, 10,000, 20,000 मत मांगना. इतना मांगो जितनी आपकी उम्मीद भी नहीं हो. एक्चुअली क्योंकि वही चीज़ पे ना टैक्स लगेगा ना कुछ लगने वाला, और वो पूरा होगा ही होगा. वाह, बिल्कुल सही बात बोली साजिद भाई आपने. सपने बड़े देखने चाहिए. है ना, कभी कभी हम अपने लिए एक्चुअली बड़ा कम सोच लेते हैं, ऊपर वाले ने बहुत लिखा होता है. तो बड़े सपने सोचो. बिल्कुल. जैसे आपने सोचा, सिद्धू जी का मतलब हटा ही दिया. मतलब ये बहुत छोटा सपना है यार. अच्छा, और किसको हटाने की सोच रही है आप? मतलब एक बार साजिद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए. साजिद भाई से और भी बहुत से मजेदार किस्से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बुलाते हैं उस स्टार को जिसकी हीरोपंती जो है इन्हीं की फिल्म से शुरू हुई थी. आप सब समझ ही गए होंगे. यस, प्लीज वेलकम द सुपरस्टार मिस्टर टाइगर श्रॉफ. जोरदार तालियां टाइगर के लिए. टाइगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. शुक्रिया सर. बहुत हैंडसम लग रहे हैं हमेशा की तरह. थैंक यू सो मच. अच्छा, ये इनका बड़प्पन है, चल के आए हैं? हाँ. चाहते थे उछल कूद के गुलाटियां मार के भी आ सकते, तो सीधा इधर लैंड होते. क्या कमाल की फिटनेस है. मैं ना हमेशा जो भी फिट आदमी को, फिट स्टार आता है, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप कितने घंटे जिम जाते हैं. आपसे मैं ये पूछना चाहूँ, जिम से निकल के कितने घंटे घर जाते हैं? जिम एक्चुअली मेरा सेकंड घर ही है, तो बहुत कम घर पे वक्त गुजारता हूँ. आई जस्ट रिलैक्स इन द जिम. खाना जिम में ही खाता हूँ मैं. ट्रेनिंग दिन में करता हूँ करीबन 3 घंटे, और शाम में भी करीबन 3-4 घंटे. बाप रे. ओनली व्हेन आई एम नॉट शूटिंग फॉर सर. तो मैंने तो सुना टाइगर जब नहाते हैं ना बाथरूम में, तो वो भी स्क्वाट पोजीशन में नहाते हैं. और इनका प्लैंक व्लैंक सब वहीं पे हो जाता है. साजिद भाई, आप तो टाइगर को बचपन से जानते हैं. 6 से 8 pack तो हमने खुद देखे हैं जी. आप इसके अलावा और क्या चेंज आपको दिखाई देता है टाइगर में? मुझे याद है जब 2013 में टाइगर को मैंने ऑफिस में बुलाया था फर्स्ट टाइम. अच्छा. तब मैंने पूछा था, टाइगर तूने शोले देखी है? तो ही सेड नो. नहीं सर. मैंने बोला को दिलवाले दुल्हनिया? नो 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 सर. हम आपके कौन? नो सर. तो मैंने बोला, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चले तो क्या करोगे? तो ही सेड मैं अमेरिका चला जाऊंगा. तो ऐसे ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कभी. फिर 2 महीना हो गया हमको, फिर एक कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली वेर आई थॉट ही वुड फिट द रोल वेरी वेल. फिर बुलाया मैंने, और मैंने बोला, टाइगर अगर आप नहीं चले तो व्हाट विल यू डू? बोले, सर ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं चलूंगा, मैं यहीं रहूंगा और यहीं स्टार बनूंगा. क्या बात है. दैट डे आई टोल्ड हिम वेलकम टू द इंडस्ट्री. वाओ. अच्छा, जब आपने टाइगर को लॉन्च किया तो जैकी दादा ने क्या कहा, कि टाइगर मेरा बच्चा है, कि ये बोला कि आज से तेरा बच्चा टाइगर है? दादा ने एक दिन बोला, भिड़ो मेरा काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना. स्टार क्यों बना ले, स्टार क्यों बना ले. वाह. दोस्तों, हीरोपंती के हीरो यहाँ पे हैं और हीरोइन को ना बुलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टॉल कृति सनोन. एक बार जोरदार तालियां कृति के लिए. कृति, बहुत प्यारी लग रही हो आप. साजिद भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इनकी फिल्मों में हर चीज बड़ी होती है, बड़ी कास्ट, बड़े सेट. हीरोइन भी कितनी बड़ी देखिए आप.
मैंने तो कहीं से सुना है कि साजिद भाई ने कृति को ढूंढा भी ऐसे था कैसे? इतनी भीड़ में चल रही थी, अलग से नजर आ रही थी, उनका यही है मेरी हीरोइन। ये तो हमने सुना है कृति, पर आपका नाडयाड वाला ग्रैंडसन के साथ कैसे मुलाकात हुई, कैसे शुरुआत हुई आपके सफर की? हीरोपंती का ऑडिशन था, मुझे याद है पहले तो मैं बस मिलने आई थी और फिर थोड़ी बहुत बात हुई थी कि क्या फिल्म है। मैंने कुछ एड्स किए थे और मैं एक तेलुगु फिल्म शूट कर रही थी। अच्छा। एंड दे जस्ट मेट मी एंड वी ऑडिशन। तो हमारा ऑडिशन ना, मतलब मैंने लाइफ में इतना बड़ा ऑडिशन कभी ऐसे दिया नहीं था, प्रॉपर फिल्म कैमराज वगैरह थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं टाइगर से भी मिली थी, तो दे वांटेड टू सी कि केमिस्ट्री कैसी है एंड ऑल। एंड देन आई सैट इन द कार एंड साबिर सर हमारे डायरेक्टर वाज लाइक, क्रिट्स हम साजिद सर के ऑफिस जा रहे हैं। तो आई सेड ओके, तो ही सेड इन 10 मिनट्स यू आर साइनिंग द फिल्म। Wow. So I signed the film on the day of my audition. Wow. और I remember मैं सर के ऑफिस गई थी and he had this box of chocolates and I signed the film and we fed each other chocolates and I remember that. That was I think 9th of January. तो साजिद भाई, सबसे पहली चीज जो बेस्ट आपको क्या नोटिस किया आपने जब कृति को आप मिले? एक्चुअली हम लोग we were confused between two casting. Okay. और लग रहा था ये ले एंड सडनली शी केम, बेचारे दो जन के पेट पे। टाइगर और कृति तो यहाँ पर हैं ही, अब वक्त है उन्हें बुलाने का जिन्हें साजिद सर ने हाल ही में फिल्म तड़प से लॉन्च किया है। प्लीज वेलकम अहान शेट्टी। How are you? Thank you. जोरदार तालियां होनी चाहिए। अहान, वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हाउ सुनील सर? बहुत अच्छे सर। गुड। क्या बात, क्या हैंडसम आदमी, क्या फिट आदमी है। वाओ। आप सबको बताया अहान का जो डेब्यू है तड़प मूवी से हुआ है। सच सच बताना अहान, आप फिल्मों में आने के लिए तड़प रहे थे के द कपिल शर्मा शो में आने के लिए? मुझे लगता है अभी भी सुनील सर अहान के साथ खड़े हो जाए ना, दोनों भाई लगे, क्योंकि सुनील सर भी इतने फिट हैं और मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ। एक बात बताओ अहान, आपने पापा की उंगली पकड़ के चलना सीखा कि पापा का डंबल पकड़ के चलना सीखा? दोनों, एक हाथ में डंबल, एक हाथ में पापा का। अरे तड़प में हमने देखा अहान की हीरोइन ना कहीं और चली जाती है और ये गम में ना बेवड़ा बन जाता है। और सुनील शेट्टी साहब की भी एक फिल्म आई थी धड़कन, है ना, जब उनकी गर्लफ्रेंड हाथ से निकल जाती है, वो गुस्से में आके बड़े बिलियनर बन जाते हैं। ये आपने इनके हाथ में बोतल क्यों पकड़ा दी? आपको भरोसा नहीं था कि ये बिजनेस ठीक करेगा? इतना प्यारा लड़का, उसको आपने बोतल पकड़ा दी? नहीं नहीं, लग रहा था, देखो इनका चेहरा लगता नहीं है आशिक का। आशिक तो लगता है। हाँ, आशिक के तीन ठिकाने होते हैं, कपड़े फटे, बाल लटे और चौराहे पे डटे। वाह। अच्छा, आप नॉर्मल प्रोड्यूसर देखोगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा दो तीन फिल्मों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आप दो जनरेशन का करते हो, क्योंकि सुनील सर को भी आपने लॉन्च किया जी। अभी आप अहान को भी लॉन्च किया और अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है इनका कि मैंने जल्दी शादी कर ले तो इनके बेटे को भी मैं ही लॉन्च करूं। अच्छा, जब सुनील सर को आपने साइन किया था पहली बार, वो कैसे मुलाकात हुई थी आपकी उनके साथ? सॉरी मैं भूलना, आइए प्लीज वेलकम, बातें मजेदार हो रही थी, भूल गया मैं, सॉरी, आइए कृति। सुनील सर तीन पिक्चर कर रहे थे बड़ी बड़े बैनर की। ओके। तो मेरा नंबर चौथा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये तीन तो चल जाएगी तो फिर मेरे लिए एक स्टार हो जाएगा जी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो तीनों बंद हो गई। अच्छा। जो पहले तीन वाली। ओके। तो मुझ पे जिम्मेदारी आप अकेले रह गए। मैं अकेला रह गया लॉन्च करने के लिए। बट जब आहान आया तो आई हैड माय पूरी स्टडी। पहले मैंने आहान को बोला मुझे एक डायलॉग बोल के बता तू। अच्छा। और वो था कि
अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं हां एक बार हो जाए पापा का डायलॉग आई वाज अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता लेकिन तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा जैसे मैंने पहले बताया साजिद भाई ज्यादा बोलते नहीं है पैसे वाले लोग तो कम ही बोलते हैं थोड़ा ज्यादा खुल के नहीं बोलते इसलिए यहाँ पे मैंने आज अपने एक सोशल मीडिया फ्रेंड है उनको इनवाइट किया है जो जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं अच्छा उनका काफी उठना बैठना इनके साथ काफी इनके बारे में जानती मैंने तो यहाँ तक सुना है ये दोनों एक ही कमरे में सोते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा फिल्म प्रोड्यूसर और साजिद भाई की बेटर हाफ वर्दा खान नाजाद वाला जोरदार तालियां एक बार वर्दा ना डैड वाला के लिए साजिद भाई बीवी आते ही अलग सोफा पकड़ लिया आपने आप आइए यहाँ पे ना सोफा सो गुड है सोफा सो गुड भाभी आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं सीरियसली आप एंटर हुई थी इंटरनेशनल स्टार मैं भी बोल भी दूं किसी को लोग मान भी जाएंगे भाई बहुत बहुत स्वागत है आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं यार मेरा डेब्यू है आज बड़े बड़े आपने लॉन्च किया आज हम आपको लॉन्च कर रहे हैं अभी एक बात बताइए साजिद भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं ये तो किसी के हाथ आते नहीं आपके हाथ कैसे आए फील्डिंग किसने किसके लिए करी थी मैंने की पूरी अच्छा मेहनत मैंने की थी अच्छा जी तो मैं पूरी मेहनत की बहुत पापड़ बेले तो एक्चुअली मैं फर्स्ट इनसे मिली थी एक इंटरव्यू के लिए ओके तो वो जो यश चोपड़ा की फिल्म में होता है इनकी भी फिल्म में होता है कि पहली बार मिलते ही घंटी बजती है हाँ. मेरे घंटे बज रहे थे इट वाज सो जोसी कि दिस इज इट दिस इज द मैन आई एम गोना मैरी तो आई वाज ओनली 17 फिर मैंने इनको पटाने की कोशिश की ये बिल्कुल नहीं पटे मेरी एंट्री बैन हो गई थी इनकी ऑफिस में सो इंटरव्यू के बहाने मिलती थी फिर इनकी सिस्टर की शादी हो रही थी अच्छा जी बस फिर मैंने मम्मा के पैर दबाए इनकी सिस्टर को एंटरटेन किया इनकी नानी के सर में तेल लगाए और बहुत पापड़ बेले मैंने सो मैं पहले से ही बहुत फिल्मी थी मैं इनकी फोटोज देखती थी तभी भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे आई थिंक वो जो कहते हैं ना सात जन्म का वो ट्रू है इनको देखते ही I was like, this is my man. अच्छा देखो अभी साजिद भाई कितने किस्से सुना रहे थे पूरे एंजॉय कर रहे थे जैसे भाभी आई तो ऐसे ही हो गए देखिए 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ बहुत संभाल संभाल के एक रिश्तों को मैं पालता हूँ अगर कोई एक शख्स है जो ये 35 साल के ऊपर ये जब से बोल रही थी आई थिंक साजिद सर वाज लाइक कुछ गलत ना बोल दे कुछ गलत ना बोल बट मुझे बहुत समझा के लाया गया इधर बिफोर ही टेक्स मी टू पार्टीज आल्सो ये मुझे बहुत समझाते हैं बट देखो बेटा बहुत मेहनत से मैंने इज्जत कमाई है टॉक लेस कम बोलना यू हैव टू ज्यादा ओटीटी नहीं करना एंड आई लव कि आप हर बार वहीं जाकर ये पूरी बात बता देते अच्छा मैंने देखा है ना बीवियों के सवाल काफी होते हैं ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है भाभी मतलब अभी भी मैंने शादी की 2-3 साल हुए हैं भाभी तो पहले जर्नलिस्ट भी थी जी ऊपर से पत्नी कैसे आप इसके साथ भी सवाल जवाब होते हैं मैं तो एक्चुअली हमेशा ये एक चीज मानता हूँ बोलती हुई बीवी अच्छी होती है साइलेंस बीवी डेंजरस होती है बहुत अच्छी पते की बात बताइए अरे नमस्कार नमस्कार अरे सुनिए आप मेरी डोली लेकर आ गए तो तू ही तो वहां पर रो रही थी कहती है मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे जाना था इसलिए मैं आ गया आपने मुझे डोली से उतार कर वहीं पे छोड़ दिया पापा ने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया अब मेरे पापा का पीछा क्यों कर रही हो बट नो इफ नो बट देख लो यहाँ से फटाफट हाय टाइगर आई एम योर बिग फैन एक मिनट तेरी शादी है ना
तो जा, तेरा बिल्ला तेरा इंतजार कर रहा होगा यहाँ टाइगर के पीछे लग गई। जाओ और ये वहां पर पार्किंग में लगा देना भैया। वाह वाह वाह, ये देखिए आप सभी को मेरा 2.5 किलो 2.5 किलो टोटल 5 किलो का नमस्कार। बाबा करोड़पति लोग आए आज। सही बात है, आज पहली बार हमारे शो को 500-600 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी है। अजय साहब कैसे हैं आप? मुझे पता है बेटा, साजिद साहब इतने अमीर हैं, इनके 2000 का नोट भी गिर जाए ना तो ये झुक के उठाते नहीं हैं, क्योंकि उतनी देर में तो ये 2 लाख कमा लेते हैं। वैसे बाबा मेरे भी 2000 गिर जाए ना तो मैं भी नहीं उठाता। ओह गॉड, क्यों बेटे? पुष्पा झुकेगा नहीं। सही बात है, ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये कभी चलेगा भी नहीं, ये कभी भागेगा भी नहीं, खा खा के फट जाएगा एक दिन पुष्पा। अरे वाह, क्या बात है, अपने जगू दादा के बेटे आए हैं टाइगर, नमस्ते कर। और टाइगर कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया। आज कैसे आना हुआ, आज आप मालदीव नहीं गए? बेटे आहान, कैसे हो सर? आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वाह वाह, क्या बात है, लेकिन ये बच्चे ने तड़प फिल्म में क्या काम किया, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। और क्या बात, बेटे आप तो बहुत मेहनत करते ही करते हो, लेकिन शेट्टी साहब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, तब जाके उन्होंने सूर्यवंशी जैसी फिल्म दी है। बाबा वो रोहित शेट्टी हैं। हाँ तो उनका बेटा यहाँ पर नहीं है तो क्या मैं उनकी तारीफ नहीं करूँगा? शेट्टी साहब ने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, ये धरती मेरी माँ है। बाबा ये सुनील शेट्टी जी का डायलॉग है। तो उनका बेटा सामने तो उनकी तारीफ नहीं करूं क्या? हिट पीछे ही करता रहूं क्या? अच्छा ऐसा है बाबा? हाँ ऐसे होता है। तो शिल्पा शेट्टी जी भी कमाल का योगा करती है, मुझे वो बहुत पसंद है। यहाँ शिल्पा शेट्टी का बेटा बैठा है क्या? शिल्पा शेट्टी तुझे फिल्म में काम देगी क्या? तो फिर इनकी बात कर। हाय कृष्ण, हाय धर्म जी। दिस इज नडियाड वाला जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम, मैम मैं आपको बता दूं, जुहू में मैंने 50 करोड़ रुपए का बंगला देखा है। ए बाबा इनको क्यों बता रहे हैं आप? फिल्म में कोई ऐसा रोल दीजिए ना कि मैं वो बंगला खरीद सकूं। फिर मैं बंगला खरीदूंगा, बंगले में पार्टी होगी, साजिद भाई आप भी आइएगा, वहां पे एंजॉय करें। ये क्या है बाबा, क्या इशारा कर रहे हैं आप? ये क्या है, पीने का? क्या ये? मैं दोनों हाथ नहीं देखे, ये देख, मैं कह रहा हूँ बंगले में आइएगा, भैंस का दूध निकालेंगे हम लोग, क्योंकि सारा दूध तू पी जाएगा। तो देख टाइगर बाबा को देख, क्या फिटनेस है उनकी। बाबा मैं भी एक दिन टाइगर श्रॉफ जैसा बनना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं बेटे, तेरे लिए तो 5 जन्म की बात है। अजित भाई हमारे हिंदुस्तान में एक सेंसेक्स है और एक टाइगर ही है, इनमें कभी भी उछाल आ सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये मालदीव जाते हैं तो वहां की डॉल्फिन छुट्टी पे चली जाती हैं, कहती हैं कि अब टाइगर श्रॉफ आ गए, अब हमें उछलता हुआ कौन देखेगा। मुझे भी मालदीव लेके चलो ना। मालदीव, मालदीव के पीछे लगा रहे, यहाँ काम मांग,
बड़े लोग आए हैं, हो सकता है तुझे भी लॉन्च कर दें ये। बड़े बड़ों को लॉन्च किया साजिद भाई, आहान आपको भी लॉन्च किया, टाइगर साहब आपको भी लॉन्च किया, कृति आपको भी लॉन्च किया पापा। लेकिन शायद आपको एक बात नहीं पता, इनकी खुद की जो लॉन्च फिल्म थी ना, इसमें इन्होंने अर्चना जी को भी काम दिया था। साजिद साहब मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था, ये आपने क्या कर दिया? मतलब आपको फिल्म साजिद साहब मुझे दो वजह दीजिए, आपने इनको क्यों लिया फिल्म में? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं, वजह क्या होती है? ये कोई तरीका हुआ बात करने का? वो इतनी टैलेंटेड है, जरूर इनकी कोई मजबूरी रही है। नहीं, अपने नजदीकी बंदे को अगर कोई उठा ले तो फिर काम देना ही पड़ता है, और बंदों को उठाने में तो ये माहिर हैं। सही बात है, पर आपका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, हो जाती है कभी कभी गलती। खैर, प्रोडक्शन हाउस से याद आया, तू कभी इनके ऑफिस गया है? नहीं बाबा। इनका ऑफिस युगांडा से भी बड़ा है। बाबा एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है पापा। बाबा युगांडा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ऑफिस नहीं होता कभी। तेरे को काम ये देंगे कि युगांडा देगा? वो देंगे ना, उनकी बात कर। युगांडा बड़ा, तुझे पता है साजिद भाई के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड में नंबर वन अमीर में इन्हीं का नाम आता है। पापा वो इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क तेरी माँ है क्या? पापा माँ कैसे होगा, वो आदमी है। हाँ तो तेरा बाप है क्या वो? इलॉन मस्क, उनकी बात कर। आज किए जा रहा है, बोल क्या? हमारा प्रोड्यूसर कैसा हो? सलमान खान जैसा हो। सलमान भाई यहाँ पर आए हैं क्या? नहीं। जब वो आएंगे उनकी भी जय जयकार होगी, बुरा नहीं मानना। हमारा प्रोड्यूसर कैसा हो? साजिद नाडियाड वाला जैसा हो। ये पार, क्या पार। ये मुझे पता है, साजिद भाई ने बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के लोगों को भी बॉलीवुड में लिया है। कमबख्तिश नहीं देखी तूने? कमबख्तिश? उसमें सलून साहब के बेटे को लिया था इन्होंने। वो कौन है बाबा? वो सिस्टर सलून। ओ नहीं बाबा, वो सिस्टर सलून है। नहीं, सिस्टर सलून है। नहीं, सलून है। अरे बेटा सिस्टर सलून है। सिस्टर सलून। अरे वो सिल्वेस्टर सलून है। ये देखिए पूरा ही गलत बोल रहा है, इसको समझाना है। सर ये कौन से वाले स्टार लिए, इनका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। यार इससे अच्छा तो आप वो नगर सेवक के बेटे को ले लेते। वो कौन है बाबा? वो आर्नोल्ड सुहासनगर। किसी आदमी का नाम बता। ये ठीक है, डैनी डेंजोंगपा। किसका गप्पा? अरे यार तू कोई सरल नाम क्यों नहीं लेता, रमेश सुरेश विक्की ऐसा कोई नाम ले तू। रमेश सुरेश विक्की ये लोग है कौन बेटा? ये वो लोग हैं, जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो ये सब मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे थे। कृति, सनन 1970 की बात है। जब मैं पहली बार मुंबई आया था, मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। मेरी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। कहाँ नहीं थे, तूने अभी तो दिए ऑटो वाले को पैसे। पापा आपकी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। मेरी जेब में नहीं थे तभी तो तूने दिए ऑटो वाले को पैसे। आप जब मुंबई पहली बार आए थे तब आपकी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। ये सब सबको क्यों बता रहा है?
पापा ये बात आपको सबको बतानी थी तो फिर तू क्यों बता रहा है? पापा मैं घर चला जाऊंगा तो आया क्यों था? पापा बेटा लव यू लव यू तू क्या कह रहा था? मैं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रहा था मैं पापा, मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं, पापा नजदीक मत आना, नजदीक मत आना। बेटे, क्या नाराज नहीं होते मेरे बेटे? आप पापा नाराज नहीं हो ना? हाँ, आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, अब ये आपको लालटेन बन के दिखाएगा। लालटेन बन के दिखा। पापा कुछ और ट्राई करते हैं क्या? हम लोग कमाल की घड़ी बनते हैं। घड़ी? हाँ ठीक है बेटे। पापा आइए, पापा इनको दिखाते हैं। हाँ बेटे। अच्छा, there is a pendulum also, the pendulum clock. 11 बज गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कपिल शर्मा शो देखते रहिए। Thank you. फिर से मिलेंगे। Bye. आप सब सोशल मीडिया पे तो काफी रहते हैं, अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, तो उसके नीचे मजेदार कमेंट्स बड़े आते हैं लोगों के। आई एम श्योर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, हम बड़े फ्री हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ कमेंट्स। दिखाई जरा। टाइगर श्रॉफ ने ये फोटो डाला है, शेड्यूल रैप हीरोपंती 2। ओके कमेंट्स देखते हैं। बॉडीगार्ड्स को भी जिम लेके जाया करो, दोनों के पेट निकल रहे हैं। आपके पीछे वाला बंदा जरूर लोकल ट्रेन में सफर करता है, बैग आगे टांगा हुआ है। देखो आप लोग क्या क्या नोटिस करते हैं। टाइगर भी लाइक, अबे यार वॉशरूम तो अकेले जाने दो। और दिखाइए। कृति ने, ही वॉन्टेड ए सेल्फी, कुडंट से नो। कृति ये लेपड़ी है क्या? इतना बड़ा लेपर्ड, मतलब आप पीछे हो ऐसे, तुम फोटो अपनी ऐसे खिंचाते हो ना पीछे जाकर? हाँ ना, मैं इतना बड़ा नहीं वाला लेपर्ड। नहीं तो आपको डर नहीं लगा इसके साथ फोटो खिंचाने में? नहीं, आई मीन वो लोग वहाँ, आपने बोला अगर टाइगर मेरा फ्रेंड है। एक्चुअली दैट वाज अ गुड वन। दिखाइए कमेंट्स। इनके भी ठाट हैं, फिल्म में टाइगर के साथ सेल्फी चीता के साथ। चीता भी सोच रहा है खुद ने तो चश्मा लगा लिया, मेरी आंखें धूप में खुल नहीं रही। आप इसके सामने आ जाती तो इसकी भी आंखें खुल जाती। आप तो पीछे हो, फिर सेल्फी कौन ले रहा है चीता? 83 रैप, वाओ। दिखाइए कमेंट। अच्छा वर्धा भाभी ने फोटो डाला ये, ओके दिखाइए। That's a cute picture, lovely picture, no? रणवीर भाई इतना प्यार से या तो बीवी को पकड़ते हैं या प्रोड्यूसर को। वो भी प्रोड्यूसर है, रिप्लाई किया किसी ने, एक हाथ से रणवीर को पकड़ा है, दूसरे से जेब संभाली हुई है। साजिद सर जल्दी से इनका चेक दे दो, ये उसके पहले नहीं छोड़ेंगे। और दिखाइए। जब मेरा परफ्यूम खत्म हो जाता है, मैं भी ऐसे ही दूसरों से चिपक के उनका खींच लेता हूं। और दिखाइए। गेट सेट गोवा, ओके दिखाइए कमेंट्स। गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा। आप गोवा जा रही हैं, मेरा इतना अच्छा घर हो तो मैं तो काम पे भी ना जाऊं। मैडम आपको देखकर दम मारो दम वाली जीनत अमान की याद आ गई। ओ
You only are missing that chashma. लगता है ये तैयार होने में लेट हो गई, अब सूटकेस पे बैठ के ही गोवा जा रही है. और दिखाइए. इस सूटकेस में जरूर इनके गहने रखे हैं, वरना हस्बैंड का हाथ छोड़ के सूटकेस पे कौन बैठता है. बड़े लोगों के शौक तो देखो, जूते की कलर का बैग ले रखा है. नहीं भाई, सूटकेस का कपड़ा बच गया, उसके जूते बनवाए हैं. और दिखाइए. जस्ट गेटिंग कंफर्टेबल. अहान ने पिक्चर डाला है, दिखाइए जरा कमेंट्स. फिटनेस का ये भी फायदा है, कम जगह हो तो बंदा टांगे ऊपर करके भी सो सकता है. भाई इतने तकिए क्यों रखे हैं, सोते हुए गिर जाते हो क्या? बंदा नए जूते खरीदता है तो दिखाने के ऐसे ही बहाने ढूंढता है. ज्यादा चने खा लो तो ऐसा ही पोज बनाना पड़ता है. और दिखाइए. टाइगर का लिटरली चिलिंग विद माय बॉस मैन अक्का प्रोड्यूसर साहब अक्का ब्रो. ये स्नो गिर रही है टाइगर? हाँ सर. तो आपको ठंड नहीं लग रही? मेरे को आदत है सर, मैं बागी 3 भी आई थिंक 40 डेज स्नो में शूट किया. आदत मतलब क्या, फ्रिज में सोते हो आप? वाह यार क्या बात है. पर इसको नहीं लगती. सो प्राउड ऑफ यू ब्रो. थैंक्स सर. सीरियसली. ओ दिखाइए कमेंट. गुड फोटो अंदर. वाह क्या बॉडी है. आप एक्टिंग के बाद वसूली का काम भी कर सकते हैं. जैकी भगनानी बी लाइक ऐसे स्टार साइन करो जिसे कपड़े देने की जरूरत ही ना पड़े. और दिखाइए. ओह दैट्स माइन. ओह ग्रैंडसन. ग्रैंडसन साजिद नाडियाडवाला. कूल कैप्शन. कमेंट्स दिखाइए जरा. बड़ा आदमी भी खाली टाइम में ऐसी ही हरकतें करता है. लगता है इनसे डॉक्टर ने कहा था विटामिन डी लेना और डायरेक्ट विटामिन डी के प्रोड्यूसर को पकड़ रहे हैं. प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर की आपसी बात है. मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जॉगिंग वाले कपड़े में फोटो खींचकर ग्लास लेकर बैठ जाता हूँ. आगे आगे दिखा. आप भी बीच पर दौड़ते हो या आपने दो आदमी रखे हुए? साजिद भाई ये सूरज है, पंचोली नहीं जो आपकी मुट्ठी में आए. और दिखाइए. थैंक यू फॉर द अमेजिंग एक्सपीरियंस. ये जिराफ है? जी सर. छोटा जिराफ होगा? नहीं नहीं वो प्लेटफॉर्म पे था ना इसलिए. अच्छा उसका भी लॉन्च हुआ होगा इतनी है ना अभी. इतना दिखाइए जरा. जिराफ भी लाइक इतने बड़े आदमी होकर घास खिला रहे हो, कम से कम केले ले आते. आप जिराफ को खिला रहे हो या जिराफ आपको खिला रहा है? अहान भाई थोड़ा दूर हो जाओ, ये आपकी दाढ़ी को घास समझ रहा है. और दिखाइए. आई गॉट योर बैक सर. ऋतिक रोशन एंड होपफुली ही इज इट्स सिद्धार्थ आनंद गॉट आवर्स. ओके दिखाइए कमेंट्स. Oh, this is for war. मैं तो सोच रहा हूँ ये आदमी कौन है जो ऋतिक और टाइगर के होते हुए कुर्सी पे बैठा है. वो भी नंगे घुटने में. ये नीचे देखो मजेदार. भंडारे में गरम पूड़ी का इंतजार करते हुए दो सुपरस्टार. और दिखाइए. टाइगर भी लाइक ऋतिक भैया इन्होंने तो कहा था शाम को शूट खत्म होते ही हाथों हाथ कैश देंगे. और दिखाई. थैंक यू. अभी आप टाइगर को और आहान को आप सब काफी सालों से जानते हैं, ऑब्वियसली आप सब फ्रेंड्स हैं. तो जैसे कभी साजिद भाई की फिल्म करने जा रहे हैं कोई एक्टर, तो वो कभी ऐसा नहीं हो आपके अपने बच्चे आपके यहाँ छोड़ गए हो कि हम आप ही की फिल्म करने जा रहे हैं इनको संभाल लेना? बचपन में अक्षय और टीना छोड़ के जाते थे आरव को मेरे पास. यस बिकॉज सुभान एंड आरव दोनों एक ही एज के थे एंड एक ही क्लास में थे. तो या
अर्चना जी आपकी जगह होती ना, इनसे सीखो आप. अगर इनके पास कोई बच्चा छोड़ जाए, ये तो उसको भी प्रोफेशन में बदल दें. बाहर बोर्ड लगा देती प्रोफेशनल बेबी सिटर, साथ में इनकी टैगलाइन होती, यहाँ पर सेलिब्रिटीज के बच्चों के साथ 50 रुपए में फोटो खींची जाती है. अच्छा टाइगर, हाँ आप दोनों, जब नॉर्मली कोई एक्टर कभी किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाता ना, तो बड़ा तैयार व्यार होके जाते हैं वो, ताकि वो हमें एक एक्टर ढूंढ ले. तो आपके तो घर आते रहते थे साजिद भाई, आपके है ना, दोनों पापा के आपके फ्रेंड रहे हैं. कभी आपने ऐसा किया इनको इम्प्रेस करने के लिए कि आपके पापा के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आप सडनली अंदर से बनियान में डोले फुलाते हो, इधर से इधर निकल जाओ निकल जाओ कि ये हमें देखें, ऐसा किया कभी आपने? मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब पापा साथ में घूमते मेरे को कोई देखता ही नहीं, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी इतना बड़ा है, उतना उनका जो ऑरा है इतना बड़ा है. आई एम श्योर द सेम फॉर यू. या डेफिनेटली, सिर्फ एक बार हुआ है सर. एक्चुअली मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और था भी, तो एक बार जब सलमान सर आए थे तो मैं शर्ट थोड़ा खोल के ऐसे निकला था, तो अच्छा सिर्फ एक बार ही हुआ था. अच्छा कि मेरी बॉडी भी नोटिस कर रहे हैं. मेरे पास कुछ बॉडी ही नहीं था. अच्छा फिर भी ऐसे घूमता था. भाई आपने किक फिल्म भी डायरेक्ट की सलमान भाई को लेके, तो जब एक ही किक से आपका करियर चल पड़ा था, पूरी गाड़ी चल पड़ी, फिर ब्रेक क्यों मारी आपने, फिर डायरेक्शन नहीं किया आपने? मुझे लगा मैं हिट डायरेक्टर हूँ जब तक मैं दूसरी फिल्म नहीं बनाता. अच्छा तो जब तक मैं अपनी दूसरी फिल्म लेट करूँ मुझसे ये कोई छीन नहीं सकता है. ये जो पदवी है एज ए हिट डायरेक्टर, फर्स्ट डेब्यू जिसने 200 करोड़ मारा. तो आपके बैंक अपने हैं कि आप भी दूसरों के बैंक में डालते हैं? अगर पूछा मैंने आए. अरे सलमान भाई, साजिद भाई बड़े पुराने यार दोस्त हैं, लेकिन हमने एक बात सुनी कि हर दिल जो प्यार करेगा की शूटिंग के लिए वो आपको डेट्स नहीं दे रहे थे. आपने पूछा नहीं कि शादी तो आपने की नहीं, डेट किसको दे रखी है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो फिल्म में कोई दूसरे एक्टर्स के साथ बना रहा था. अच्छा जी. और 20 दिन में शूटिंग थी. उसने बोला आई एम नॉट कम्फर्टेबल डूइंग दिस फिल्म. अच्छा. आई फेल्ट वेरी बैड. 10:30 सलमान वॉज शूटिंग विद शाहरुख इन कुछ कुछ होता है. ओके. मैं वहाँ पहुँच गया. मैंने बोला मुझे डेट चाहिए इमिजिएटली बिफोर द इंडस्ट्री कम्स टू नो इन द मॉर्निंग के पिक्चर शेल्व हो गई, मुझे ये फिल्म स्टार्ट करनी है. ही सेड ओके ठीक है ले ले, विल स्टार्ट इन 5 मंथ्स. तो मैंने नहीं 5 मंथ्स नहीं, थोड़ी जल्दी करना है. तो बोले कब? 20 दिन में मैंने शुरू करना है. ही सेड ओ मैड, 20 दिन मेरी डेट भरी हुई, मैं 4-4 पिक्चरें कर रहा हूँ. सो वी हैड अ आर्ग्यूमेंट और गुस्से में उसने अपनी डायरी मेरे ऊपर फेंक दी. देख ले कुछ नहीं उसमें. मैंने डायरी ले ली. डायरी लेके मैं भरता रहा, 5 दिन इसकी कैंसिल करूँ, 5 दिन मेरे आ गए, 4 दिन उसकी इसकी, 3 दिन किसी की और आगे करके मैंने डेट बना दी. उनका बॉय आ गया बेचारा. अच्छा. 3 दिन के बाद राजू भाई, फिर सलमान भाई बोल रहे डायरी वापस दो, पता नहीं कहाँ जाना है उनको शूटिंग पे. तो वो पिक्चर मेरी इस 4-4 दिन 6-6 दिन के गैप में वो 3 महीने में फिल्म बन गई. वाह जी, यही होना चाहिए, प्रोड्यूसर ऐसे ही होने चाहिए. क्या बात है. मैं ना सोशल मीडिया पे टाइगर के भी, आप कभी वीडियो देखो, इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना इंस्पायर होते हो आप. आगे बात की बात है कि देखने के बाद आप वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते. ये 220 किलो वजन उठा रहा था टाइगर. आपने कभी बोला नहीं साजिद भाई को कि देखो मैं कृति के साथ फिल्म कर रहा हूँ, 55 किलो की होगी ये, 220 किलो में वजन उठा लेता हूँ, 60-60 की 3 और 1 40 की डालो फिल्म में, 220 किलो तो आप उठा ही लेते हो जी. कभी आपके दिमाग में नहीं आया, आपने ऐसी फरमाइश नहीं करी? वैसे इतनी अच्छी बॉडी होके भी क्या फायदा है, मेरे को एक ही हीरोइन मिलती है जी. कुछ कुछ लोग यहाँ पर जो कॉमेडी करते हैं उनको 3-3 हीरोइन मिलती है. It's true though. मैंने तो सॉरी मैंने ये मुद्दा छेड़ दिया, लेट्स चेंज द टॉपिक. आज यहाँ पे आपको पता है साजिद भाई यहाँ मौजूद है, हमारे स्टार्स यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं साजिद भाई जिनको लगता है कि हमें भी टैलेंट है, वो आपको ऑडिशन देना चाहते हैं. अगर आपको अच्छा लगे आप सब मिलजुल के सिलेक्ट कर सकते हैं. कौन कौन पहले हाथ खड़ा करे, आइए एक साथ आप आ जाइए. भाई पीटने आ रहे मेरे को. आ जाइए. कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर. हेलो कपिल सर. हेलो एवरीवन. मैं भव्य चितलिया गुजरात से आया हूँ. मैं भी अपना ऑडिशन देना चाहता हूँ. DDLJ मूवी का है, SR के सर का डायलॉग है. मुझे पता नहीं लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही लड़की के साथ कैसे बिता सकते हैं. मुझे किसी की बाल अच्छे लगते हैं तो किसी की गाल अच्छे लगते हैं, किसी की आंखें अच्छी लगती है तो किसी की होठ अच्छी लगते हैं. अब आप ही बताइए मैं क्या करूं सर. बहुत अच्छा आपने याद दिलाया. चलिए अब शुरू करते हैं, ऑडिशन दीजिए. अभी दिया ऑडिशन तो दिया. ये हो गया. हाँ
ऐसे तो कोई किसी को बद्दुआ नहीं देता जैसे आपने इसीलिए सर मैंने ऐसे दिया आप सीरियसली आप एक्टर बनना चाहते हैं कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं नहीं मैं क्यों नहीं बनना चाहूंगा अगर अच्छा लगा तो साजिद सर बैठे हैं तो नहीं पर आपको अपने अंदर से लगा कि आपको किसी ने बहकाया है नहीं मुझे अंदर से लगा क्या करते हैं आप वैसे इंजीनियर हूँ इंजीनियर हैं आप हाँ क्या बनाते पेट के अलावा और क्या बनाया नहीं पेट के अलावा कुछ नहीं बनाया बिल्डिंग बनाऊंगा भावे आप करा बड़े यार कॉन्फिडेंस आदमी में है ना साजिद भाई बहुत बचपन से कॉन्फिडेंस है क्या बात है आइए भावे चितालिया जी आप आइए इधर आ जाइए नमस्कार मैम नमस्ते मैं मनीषा खंडेलवाल मनीषा खंडेलवाल जी कहाँ से आई आप मैं थाना से आई हूँ ऑडिशन देना चाहती हूँ ये मेरी बहू है कोमल हेलो एवरीवन सीरियसली आपकी बहू है यस अरे वाह क्या बात है अच्छा मतलब दोनों आप तो हम दोनों एक माँ बेटी का रोल कर रहे हैं बट अच्छा जी प्लीज कहाँ जा रही हैं आप अच्छा एंट्री एंट्री लेंगे ओके ओके मैं चाय बना रही हूँ एक्चुअली अच्छा जी मम्मा अरे कोमल हाय बेटा आ गई तू अरे दुपट्टा गैस पे आ गया कैसे हो मम्मा ठीक हूँ बेटा तू बता कैसी है बस बढ़िया मम्मा बढ़िया है और मम्मा क्या कर रहे हो बस ये थोड़ा चाय बना रही हूँ अरे मम्मा चाय का तो नाम ही मत लीजिए क्यों चाय का तो तुझे बड़ा शौक था अभी तुझे क्या हुआ चाय नहीं पीना है अरे मम्मा वहाँ रोज चाय बनती है अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मा अपने यहाँ कैसे एक सी चाय में सबका हो जाता था वहाँ सास लेमन टी मंग लेती है पति ब्लैक टी मंग लेते हैं और आपको तो पता है मुझे तो अदरक वाली चाय पीने की आदत है इतना सब करना पड़ता है मम्मा अरे बेटा तू इतना सब कुछ कर लेती है अरे मम्मा मैं कहाँ वो मेरी सास है ना वो सारा तैयार करके देती है अरे मरजानी तो तू क्या करती है अरे मम्मा जब वो बन जाता है तो सर्व तो मुझे ही करना पड़ता है ना ओहो बिल्कुल ना अपनी माँ के ऊपर गई है वाह थैंक यू आपने कसम से दूरदर्शन याद दिला दिया आपने वेरी गुड वेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका एक्ट बड़ा क्यूट था थैंक यू वेरी मच शुक्रिया बहुत अच्छा किया आप लोगों ने इस मुझे सबसे अच्छा इसमें लगा सास और बहू क्योंकि मुझे लगा कि वो ऑडिशन कम अपने जो अंदर की पीड़ा है कंप्लेन एक दूसरे को बता रहे वो बहाना ले रहे थे वो घर का बट अपनी आपस की प्रॉब्लम उन्होंने ये ऑडिशन में बता दी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आइए शुक्रिया अर्चना जी हाँ जी सिद्धार्थ जी मुझे ना दो दो हीरो बैठे हैं मुझे सोच नहीं मैं किसका गाना गाऊं मैंने इनके डैडियों के गाने गा दिए लव यू कपिल आज मजा आ गया मेरे मतलब के कलाकार थैंक यू सो मच अरे सर क्या बात है अरे मैं चाहे मुक्का मारता ना आपके बैठिए आप सर ये सच है ये नहीं कि आप सामने बैठे हो तो मैं बोल रहा हूँ अगर आज इस मंच में मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से क्यों वो कैसे बैठने के लिए जगह नहीं कहाँ बैठी क्या बैठी जब पता है कि जगह नहीं है तो क्यों आते हो आप ये साजिद भाई दुनिया में भी ऐसे आए थे सर आई एम बिग फैन इंग्लिश में बिग फैन इंग्लिश में इंग्लिश में ये बात उनको हर कोई बोलता है कुछ नया बोलो आप नहीं ये बात मैं आपकी गाड़ी पे पत्थर से लिख के आया हूँ सर मैं नहीं कैसे आपको अकल नहीं है ये बात तो सब बोलते हैं तुम कुछ नया बोलो करने क्या आए आप इधर मैं मेन बात के लिए आया हूँ जैसे ये सब आए थे मैं भी आया हूँ सर सर इंडस्ट्री में कम से कम नहीं तो मैं 15 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई समझ नहीं रहा मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ सर जो भी आज तक मुझे रोल मिले ना उसमें मुझे ना वो नहीं मिलता जो होता ना जैसे सुकून नहीं पैसा पता क्या एक बार पैसा आ जाए ना थोड़ी अमीरी उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है एक्टिंग में ना भी होना थोड़ा स्टाइल थोड़ा अमीर सर अमीरी से याद आया शेट्टी साहब कैसे हैं मतलब आहान मैंने
आपकी फिल्म देखी है, क्या आप एक्टिंग, मैं ना आपको एक ना डायरेक्टर का नंबर देता हूँ, उनसे काम की बात कर लेना। उनके पास ऑलरेडी फिल्में हैं। नहीं, मेरे काम की बात कर लेना, मेरा मेरा ना वो फोन नहीं उठाते, तो आप बात कर लेना। आपको एक बात कहूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सर से ही कर लेता हूँ। सर, एक बंदे ने दोनों डोज ले ली हो वैक्सीन की, तो वो कहीं भी जा सकता है ना? हाँ? तो आपके वॉचमैन आपके ऑफिस में मुझे क्यों नहीं जाने देते? साजिद भाई, इनको लिया आपने फिल्म में, ये देख लो इनकी अकल। आप दो वैक्सीन क्या ले ली, कहीं पे भी घुस जाते हैं। उस दिन लेडीज वॉशरूम में घुस गए, वो कहती आप यहाँ कैसे, कहते मेरी दोनों वैक्सीन हुई है। फिर सब लेडीज ने, फिर उन्होंने मिलके इनको बूस्टर शॉट दिया है। कर लो, जितनी बेइज्जती कर लेते हो कर लो, अभी टाइम है। जब साजिद जी ने मुझे लॉन्च कर दिया ना, तो गर्व महसूस करेगा अपने चाचा पे। नारियल वाला आपको अपने पास नहीं खड़ा होने देता, नाडियाड वाला आपको लॉन्च क्यों करेंगे? चलो लॉन्च रहने दो सर, आप अमेरिका की मेरी टिकट करवा दो। वो क्यों करवाएंगे यार, उनकी फिल्मों की मैंने 10 साल टिकटें खरीदी, मेरे लिए एक टिकट नहीं करवा सकते? तुम्हें पता भी है कितने अमीर हैं वो, उनका ऑफिस देखा तूने? जितना बड़ा उनका ऑफिस है ना, उससे छोटी जगह पे बाहुबली का सेट लगा था। देखा। पर सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये पर्सनल सवाल है, कोई सुन तो नहीं रहा, कैमरे लगे हैं ना, बस ठीक है। सर सर इतना बड़ा ऑफिस है, जब वो खुलता ही नहीं तो क्या फायदा उसका? क्या मतलब खुलता नहीं है? अरे मैं रात को 2 बजे गया, चाबी वाले को साथ ले गया, बड़ी कोशिश की, खुलता ही नहीं। कैसे ताले लगाए हो इसमें? आपको शर्म नहीं आती उनका ऑफिस खोलते हुए? शर्म क्यों, मुझे तो बड़ी इज्जत मिली, पता कितने लोग आ गए, अरे लहरी ऑफिस खोल रहा है, अरे लहरी ऑफिस खोल रहा है। मैं कहा नहीं अभी खुला नहीं है, कहते पुलिस बुलाओ। मैं कहा जब चाबी वाले से नहीं खुला तो पुलिस कैसे खोल लेगी? लेकिन वो एक रिस्पेक्ट होती है, वो ऑडियंस मुझे घेर लिया, पुलिस को बुला लिया सर, पुलिस ने बहुत बड़ा जो इज्जत मान दिया। पहले तो मुझे 2 ब्रासलेट पहनाए इधर उधर उन्होंने, फिर ऐसे मतलब नहीं सच्ची, वो खुद इतने इतने बड़े ऑफिसर पीछे खड़े हैं और मैं आगे ऐसे बैठा हूँ, फोटो खिंचवाई सर, ये बहुत बड़े। फिर अपनी गाड़ी में बिठा के सर मुझे ऑफिस ले गए, फिर वो जो फोटो फ्रंट पे सुबह पेपर में, बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। रिस्पेक्ट नहीं दी क्या? आपको अरेस्ट किया था उन्होंने? ये तेरी सोच है, मैं किसी की सोच थोड़ी बदल सकता हूँ। सर मैं वैसे वहां पे कोई चोरी वोरी नहीं करने गया था, मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैं आपको सुनाने गया था, अगर आप इजाजत दें। उनको नहीं सुननी, आप जाओ यहां से। तू भी है इसमें, मेन रोल तेरा है। क्या स्टोरी सुनाओ? हाँ क्या सुनाओ? सर एक हीरो है, उसका 2-2.5 घंटे का रोल है, वो मैं करूंगा तो। और एक ये है हीरोइन, मतलब अभी पक्का कर लेना, सामने बैठे हैं, बाद में मैं किसी और को लेंगे, मैं करूंगा नहीं। तो हम दोनों का, और हमारा दोनों का गाना वाना होता है, फिर हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद एंड बहुत जबरदस्त है। मैं कहां हूं इसमें? रेड कलर का आता है एंड। हां मैं कहां हूं इसमें? अरे जब फिल्म बन जाएगी तो प्रमोशन के लिए बेटे तेरे पास ही आएंगे, आप कहां जाना है? चलो जल्दी फटाफट जो बुलाए जल्दी करो, चलो चलो आ जाओ जल्दी बोलो। गुड चाय। अरे उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर। प्रोड्यूसर कौन है? साजिद सर। मस्का किसको मारना है? सर। काम कौन देगा? साजिद सर। तो डालो इधर फूल। वाव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जा बैठेंगे आप लोग? हाँ तो जाओ ना फिर। हेलो साहब, कैसे? मैं राजू चाय वाला। साहब हमारे शो पे, मैं आपको मेन बात करने के लिए था, हमारे शो पे एक आदमी है साहब, क्या कॉमेडी करता है साहब, क्या गाना गाता है, आप उसको लॉन्च करो ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं, कपिल की बात कर रहा हूँ। वाओ, आपके तो हम बहुत फैन है साहब। ये लो साहब, आपके लिए स्पेशल लाया हूँ मैं, कटिंग चाय। अरे अरे थैंक यू भाई थैंक यू। बताओ कैसी है? अरे वाह बहुत टेस्टी है। कैसे बनाते हो? कुत्ते के दूध की चाय है ना। अरे ये कुत्ता कहाँ दूध देता है? हाँ तो दे ही नहीं रहा था, उसके मुंह से छीनना पड़ा। तो सीधा बोलो ना फिर, ये तेरी जूठी है। अच्छा गुस्सा आ गया साहब को, है गुस्सा करते हो। कह रहे आन बाबा कैसे? अरे बहुत अच्छा, आपका पिक्चर देखा, बहुत मस्त काम किया आपने। थैंक यू सर। उसमें आप बाइक चलाते है ना जी, इनको दो ना। अरे बाइक नहीं, बाइक के नीचे दो ना इनको, खत्म करो। बहुत टेंशन दिया है आदमी ने।
ये कपिल ये कैसी बातें कर रहा, समझाओ इसको। वो क्या समझाएंगे, मैं कपिल सेठ को खुद समझाने के लिए आया हूँ। कपिल सेठ आप उधर से ना, अमृतसर से? हाँ। तो अमृतसर में तो ये कुलचे भटूरे लस्सी ये सब फेमस है। हाँ। ये कद्दू को काय को उठा के लाए उधर से? एक मिनट कपिल, तेरे पास भी गोविंदा जी को बुलाने की ऑप्शन थी ना, ये फर्स्ट कॉपी क्यों लेके आया इधर? फर्स्ट कॉपी, गुस्सा आ गया सबको। खैर टाइगर जी कैसे, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके डैडी का भी। वो डैडी आपके बहुत झाड़ लगाते हैं ना, उनको बोलो ना झंडू को भी किधर लगवाओ। नहीं, अरे बहुत टैलेंटेड आदमी है आपको मालूम है सर, ये चूहे का बिल है ना, उसके अंदर घुस के उसके कपड़े चुरा लेते। ये क्या बकवास कर रहा, चूहे कहाँ कपड़े पहनते हैं? तो आप भी कहाँ टैलेंटेड हो। सर आपने तमाशा फिल्म करी थी ना, इधर भी एक लड़का है घर की किस्तें देने के लिए लड़की बन के तमाशे कर रहा, देखो कभी आ गए। फिर गुस्सा आ गया साहब को। साहब आपको मालूम है ये तो केला खाने के लिए बंदरिया के कपड़े पहन के चले जाते हैं। और यार वो तो हम एक्टिंग करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करते? अरे यार मैं चलता हूँ यार, ये ज्यादा कर रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं साहब ऐसी बात, तू ज्यादा कर रहा है। मतलब यानी कि ये नहीं कि हम आप इज्जत करते हैं तो आप कुछ भी करोगे, छोड़ दो छोड़ दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं साहब ऐसा नहीं यार, इधर आओ। हम साहब का बहुत इज्जत सामने तुम करी जा रहे हो, मैं इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी। नहीं साहब ऐसी बात नहीं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ साहब। साहब ये बहुत बहुत सीनियर आदमी है, बहुत मेहनत के लिए साहब अपनी लाइफ में, इतना टैलेंट है आदमी के अंदर। आपको पता है रोड पे सब्जी पड़ी रहती है ना, उसको खा के टेस्ट से बता देता है कितनी पुरानी है। यार ये छोड़ो वो। नहीं साहब आपके बारे में बताना बहुत जरूरी है। आपको पता है साहब बहुत नेचर फ्रेंडली आदमी है। हाँ आपको तो पेड़ काटना ना पड़े, इस वजह से बाथरूम में टिश्यू पेपर यूज नहीं करते। यार छोड़ो ये तुम। अरे नहीं, उधर कैक्टस का झाड़ लगाया इन्होंने, तभी तो ये आदमी बैठता नहीं है, खड़े ही रहता है। अरे छोड़ो। नहीं साहब आपका स्ट्रगल जानना बहुत जरूरी है, सबको बहुत मेहनत किया साहब। बहन की शादी का भी पैसा नहीं था, नौकर को जीजा बनाया इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। ओ आइए आइए भाई। और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है, बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।